हे गाइस, वेलकम टू द वीकली मूवी रिकमेंडेशंस विद संकेत। सो आज का मेरा पहला रिकमेंडेशन है अराइवल, डायरेक्टेड बाय डेनी वेलेन्यव, स्टारिंग एमी एडम्स, जेरेमी रेनर एंड फॉरेस्ट विटेकर। सो इस फिल्म का प्लॉट ये है कि एमी एडम्स का कैरेक्टर एक लैंग्वेज स्पेशलिस्ट रहता है। सो वर्ल्ड में 12 जगह पे एलियंस के स्पेसशिप्स लैंड हुए होते हैं। सो यूएस आर्मी एमी एडम्स के कैरेक्टर को हायर करती है और आगे जाके वो एलियन से फर्स्ट कांटेक्ट बनाती है और कम्युनिकेशन आगे बढ़ाती है। सो ये एक बहुत ही यूनिक साईफाई फिल्म है एंड इसके सिनेमाटोग्राफर ब्रैडफर्ड यंग ने बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुली डार्क कलर्स यूज़ किए जस्ट टू डिपिक्ट द डार्क टाइम्स फेस्ड बाय पीपल ऑन अर्थ। सो अ स्पेशल शाउट आउट टू द म्यूजिक कंपोजर योहान योहानसन, जिन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल एंड एंगेजिंग स्कोर लिखा था। सो इस फिल्म का क्राफ्टिंग बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा किया है डायरेक्टर डेनी विलेन्यूव ने। सो इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था एंड आगे जाके इस फिल्म को 8 एकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन भी मिला था। सो इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हैं। सो मेरा दूसरा रिकमेंडेशन है ऑफिशियल सीक्रेट्स, डायरेक्टेड बाय गैविन हुड, स्टारिंग कियारा नाइटली, मैट स्मिथ एंड राल्फ फीन्स। सो इस फिल्म का प्लॉट ये है कि कैथरीन गन नाम की एक लड़की ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करती है और उनको एक ईमेल मिलता है फ्रॉम द नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ अमेरिका। सो वो ईमेल इराक के इन्वेशन के बारे में बात होती है जिसमें 2003 में हुआ था और वो इन्वेशन उनको गलत लगता है, बहुत ही इलीगल लगता है। सो वो ईमेल और वो मेमो वो प्रेस में लीक कर देती है। सो ये एक ट्रू स्टोरी है कैथरीन गन का एंड ये फिल्म आपको एज ऑफ द सीट रखेगी लास्ट तक और ये फिल्म बहुत ही एंगेजिंग है। सो इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था एंड आगे जाके इस फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी मिले थे अपॉन इट्स रिलीज़, बट सैडली इस फिल्म को बहुत लोगों ने डिस्कवर भी नहीं किया था। सो ये फिल्म आप DVD में देख सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ।